नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में भी आपका स्वागत है सभी का। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए ये मॉडल पेपर हो जाता है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज जो रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, वो हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का ये मॉडल पेपर है। तो फ्रेंड्स, बस इतने ही क्वेश्चन आपको करना है, 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा। अगर इतने क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो एग्जाम में टॉपर बनने वाले हो और धुआं धुआं करने वाले हो एग्जाम 2022 का, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है भाई, 2022 के एग्जाम में जो जो धुआं करने वाला है, तो पूरा की पूरा आपको देखना है और इतने ही क्वेश्चन पर रट के जाना है। 10 से 12 क्वेश्चन है, अगर इतने क्वेश्चन आपने रट लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की पीडीएफ, मतलब नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो आपको कहां मिलेगी वह पीडीएफ, वो पीडीएफ कहां मिलेगी भाई, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। वहां जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और इन क्वेश्चनों को वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है वह पीडीएफ आपके लिए, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना पड़ेगी, या आपके पास कोई बुक है तो उसमें आप इस प्रकार के क्वेश्चन लगा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन हमें याद करना है, बस इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। देखते हैं कौन कौन से मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में हमारे छपने वाले हैं। तो बात करते हैं इसको, देखिएगा, नियोजन को परिभाषित करो। नियोजन को क्या करना है भाई, परिभाषित करना है, इसकी प्रक्रिया, उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में बताना है। हेडिंग बहुत भूमिका निभाती है आपके एग्जाम में, हेडिंग को मत छोड़ना। थ्योरी चाहे कम हो जाए मगर हेडिंग तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया, उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में बताना है, बता देना है। एग्जाम में छप रहा है आपका ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का हो जाता है अपना अभिप्रेरणा या फिर प्रबंध क्या है। अभिप्रेरणा या फिर प्रबंध किसे कहते हैं, इसकी विशेषता, इसके कार्य, इसके महत्व के बारे में खोल कर लिख दो फटाफट, है ना, ये पूछेगा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या देखने को मिलने वाला है, वो हो जाता है निर्णयन का अर्थ। निर्णयन का अर्थ क्या होता है, इसको देखना है। एक सही निर्णय, एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए क्या विधि अपनाई जानी चाहिए, वह कौन सी विधि है, ये आपको यहां पर खुल के लिखना है, हेडिंग डाल डालकर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, वो हो जाता है नेतृत्व या फिर नेता। कौन, या फिर नेता, नेतृत्व या फिर नेता की परिभाषा आपको बताना है दोनों की, और इसके महत्व, इसकी विभिन्न शैलियों तथा इसकी विशेषताओं और उनके गुणों के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रकार से लिखना है, हेडिंग डाल डालकर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रत्यावर्तन क्या है, प्रत्यावर्तन क्या है, इसकी आवश्यकता, महत्व की विवेचना कीजिएगा। क्या करना है भाई, इसकी आवश्यकता, इसके महत्व की विवेचना करना है, एग्जाम में सेम देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना मॉडल पेपर का, वो हो जाता है संप्रेरण। क्या है, संप्रेरण को परिभाषित करो। संप्रेरण कहते किसे हैं, परिभाषित करो, यह क्यों आवश्यक है, इसकी विशेषता और महत्व को बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में छपने वाले हैं क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। नियंत्रण से आप क्या समझते हैं भाई, नियंत्रण से आप समझते क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं प्रभावशाली नियंत्रण के चरणों व विशेषताओं और महत्व आपको लिख देना है खुलकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का हो जाता है नियंत्रण तकनीकी किसे कहते हैं। नियंत्रण तकनीकी कहते किसे हैं, इसके विभिन्न तकनीकों का वर्णन आपको कर देना है बिल्कुल खुलकर, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सेम देखने को मिलने वाला है, वो हो जाता है भारत में प्रबंध की आवश्यकता के कारणों को लिखिएगा। भारत में प्रबंध की आवश्यकता के कारण कौन कौन से हैं, हेडिंग डालकर लिखो, वो भी खुलकर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, प्रबंधकीय भूमिकाओं, प्रबंधकीय भूमिकाओं किसे कहते हैं, मतलब भूमिका क्या है, प्रबंध क्या है, प्रशासन, संगठन, इनमें क्या बताना है, सभी में अंतर बताना है। प्रबंधकीय भूमिकाओं, प्रबंध, प्रशासन, संगठन में आपको क्या बता देना है भाई, अंतर बता देना है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, वो जाता है प्रबंध का प्रासंगिकता अधिगम क्या है।
जो अपना प्रबंध का प्रासंगिकता जो अधिगम होता है वह है क्या, नव प्रतिष्ठित विचारधारा क्या है, इसके बारे में खुल के लिखिएगा। यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या मिलने वाला है, व्यूह रचना नियोजन क्या है, इंपोर्टेंट है, छपा हुआ देखने को मिलेगा आपके लिए, क्या बिल्कुल छपा हुआ देखने को मिलेगा आपके लिए, व्यूह रचना नियोजन क्या है, विवेकपूर्ण निर्णय क्या होता है, यह भी आपको यहां पर बताना पड़ेगा। आगे देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, बात करते हैं आदर्श संगठन व उसकी विशेषता के बारे में आपको बताना है, तथा अधिकार व उत्तरदायित्व में विभेद भी आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है मॉडल पेपर का, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण में अंतर देखने को मिलेगा, बिल्कुल छपा हुआ केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण में अंतर, तथा आपको विभागीय जो विभागीयकरण होता है को परिभाषित आपको करना है, विभागीयकरण को परिभाषित करना है और उसके लाभ भी आपको यहां पर बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में सेम देखने को मिलने वाला है, वो हो जाता है हर्ज़बर्ग के अभिप्रेरणा सिद्धांत की व्याख्या करो, जो हर्ज़बर्ग हैं उनके अभिप्रेरणा सिद्धांत की व्याख्या करने को आपसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और बात करते हैं संप्रेषण के जाल, संप्रेषक का जाल क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं, इनके प्रकारों को लिखकर खोल के लिखना है ना, इनके प्रकार हेडिंग में डालकर फिर उन्हें खुलकर लिखना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है मॉडल पेपर का जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो वो हो जाता है मैस्लो के विचारधारा, जो मैस्लो की विचारधारा है सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, और संदेश वाहन के मार्ग से क्या धाराएं आती, जो संदेश वाहन है उसके मार्ग में क्या बाधाएं आती हैं, ये आपको यहां पर पूछा जाएगा। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं ना, बस इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और बाकी क्वेश्चनों पर बिल्कुल फोकस नहीं देना है। तो इनका फटाफट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इनके सभी के स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूं मैं, और आपको क्या करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बस 10 से 12 क्वेश्चन हैं, फटाफट स्क्रीन आपने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट इनके, ठीक है, इनको ही बस तैयार करना है, बाकी क्वेश्चनों को साइड में कर देना है ना, बाकी क्वेश्चनों को साइड में कर देना है, इन्हें जम के पढ़िएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बचने नहीं पाए बिल्कुल। तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को तोड़ फोड़ दो तो नोटिफिकेशन गिरे आपके घर जाकर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का। तो फ्रेंड्स शेयर करके बिल्कुल जाना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना है और घंटे को तो तोड़ फोड़ कर देना है क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड जय हिंद, सभी के लिए जय भारत।